बात हम 9 अगस्त की कर रहे हैं सर, उस रोज सर हुआ क्या? 9:30 के बीच में मुझे कॉल आता है और फिर लगातार कॉल आने शुरू हो जाते हैं। अभी की भी एक सिरमौरी ताल हमारी जगह है, वहाँ पे बादल फट गया है। जाना गाड़ी तो जाने की दूर की बात है, पैदल भी नहीं चला जा रहा। तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने JCB में बैठ के रास्ते क्रॉस किए, कुछ हम सारी चीज़ों को असेस करके, और ये पुलिस भी हमारे साथ थी, ये हमने पाया कि नीचे जाना इस टाइम असंभव, क्योंकि स्लिपरी थी रोड, थी नहीं रोड, अवरुद्ध हो चुकी थी। और जिसने सिरमौरी ताल पहले नहीं देखा वो एसेस भी नहीं कर सकता क्या पहले, क्योंकि फैलाव बहुत ज़्यादा था, ऊपर से आया, घर के तख्ते जो है वो आगे तक मिल गए थे। तो ये पता लग गया कि हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो यही बड़ा होगा। हमें सिर्फ ये डर था कि कहीं बॉडीज बह के आगे नदी में चली जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती, उसके बाद तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे हिमाचल की नज़र जो थी इस टाइम सिरमौरी ताल के ऊपर, सब ने हाथ से हाथ मिलाया और सब ने उस दिन देखा कि सिरमौरी एकता क्या चीज़ होती है। क्योंकि जो भी लोग वो देख रहे थे और जो दो डेड बॉडीज निकली थी उनकी जो हालात थी उस पर कोई भी देख के उनका दिल जो है सहम। फिर विनोद जी के एक रिलेटिव्स थे जो आई थिंक होम डिपार्टमेंट में शायद, वो दो बॉडीज का संस्कार करके द्वारा आए वहाँ पे, एंड वो भावुक भी बहुत थे और वहाँ से तो बॉडी की रिकवरी हो गई, हालात ठीक नहीं थे ऑब्वियसली, वो बॉडीज के जो पार्ट्स थे वो वैसे नहीं थे जैसे एक इंसान के होते, उठे भी खड़े कर सकता था। मैं SDM से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जितनी अच्छी वहाँ स्टाफ से बात करूँ। तो मुझे बड़ा इस चीज़ से डर लगता था और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी अपना इस चीज़ एनी एक्सपीरियंस इज बिग एक्सपीरियंस, ये पूरा छूट अनुभव था सर। देखिए अनुभव सिखा के भी गया, डरा के भी गया। बचपन